पहले वारदात की प्लानिंग करता था, फिर खून खराबे की मन्नत मांगता था, बेखौफ होकर हत्या खून खराबा करता था और वारदात पूरी होने पर चादर चढ़ाता था। ये सब कुछ वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन प्रयागराज में जरायम की दुनिया के सबसे बड़े बाहुबली माफिया अतीक अहमद का मजार कनेक्शन सामने आया है। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं वो मजार, जहां न सिर्फ उमेश पाल की हत्या की मन्नत मांगी गई थी, बल्कि काम पूरा हो जाने के बाद शूटर्स ने यहां आकर चादर भी चढ़ाई थी। प्रयागराज में चकिया इलाके में बना ये अतीक का वो दफ्तर है जिसे अब खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। इस पर बुलडोजर चला और इसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस ऑफिस में एक और कहानी भी है, वो कहानी आपको दिखाते हैं। यहाँ एक तस्वीर है, एक मजार है, और ये मजार जो है इसी दफ्तर में, जो अतीक का दफ्तर है, जहाँ पे बुलडोजर कुछ दिन पहले चला था, छापेमारी हुई थी और पुलिस यहाँ पहुँची थी, यहाँ से बाकायदा कैश भी बड़ी संख्या में बरामद हुआ था। इसी दफ्तर में ये दफ्तर, चूँकि कहा जाता कि अवैध ज़मीन पर बना हुआ था, इस लिहाजा से बुलडोजर चला। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, जो एक पोर्शन है उसको छोड़ दिया गया है ऐसे ही, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये वो जगह है जिसे अतीक अहमद का ऑफिस के दफ्तर के अंदर बना ये मज़ार है। कहते हैं ये मजार अतीक और उसके परिवार के लिए बेहद शुभ माना जाता था। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर किया गया। अतीक के बेटे असद ने खुद गाड़ी से उतरकर गोलियां चलाई। सीसीटीवी में इसके पुख्ता सबूत हैं। सूत्रों का कहना है कि मर्डर के बाद असद शूटर गुलाम के साथ सीधा इसी मजार पर आया और चादर चढ़ाकर फिर यहां से फरार हुआ था, क्योंकि ऐसा अतीक ने करने के लिए कहा था। खबरों के मुताबिक ये दोनों मजारे अपने दफ्तर में पीछे की तरफ अतीक अहमद ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके खुद बनवाई हैं। अतीक खुद भी हर वारदात से पहले इन मजार पर जाकर मन्नत मांगता था, फिर काम पूरा हो जाने के बाद यहां चादर चढ़ाकर शुक्र अदा करता था। जब अतीक जेल गया उसके बाद भी अपने शूटर्स को उसने ये सख्त आदेश दे रखा था कि गुनाह करने से पहले और करने के बाद जो मजार दफ्तर के पास बनाई गई है उस पर चादर जरूर चढ़ाई जाए, ताकि अल्लाह उनकी मदद करे। ये दोनों मजारे अतीक के उसी दफ्तर में हैं जिसे अतीक का रहस्य लोक कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ अतीक के गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। अतीक के दफ्तर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था, लेकिन मजार वाले हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बताया जाता है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम ने अतीक के इसी दफ्तर में बैठकर उमेश पाल के मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी और वारदात करने से पहले मजार पर चादर चढ़ाकर कामयाबी की दुआ मांगी। इतना ही नहीं, असद, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम ने यहीं बैठकर रूट प्लान किया था कि वारदात के बाद कहां छुपना है, कैसे भागना है। इसी मजार पर चादरें चढ़ाई जाती थी। खबर ये भी है कि अतीक ने अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से जेल जाने के बाद ये कहा था कि जब भी कोई घटना हो उसके बाद यहाँ ज़रूर आए, मज़ार पर चादर जरूर चढ़ाएं। ये पेड़ है पीपल का, उसके ठीक बगल में ये मज़ार देख सकते हैं जो बना हुआ है, या ये जो मज़ार है ये उसी दफ्तर, अतीक के दफ्तर के एक हिस्से में, पिछले हिस्से में बना हुआ है। यहाँ पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, क्योंकि ये एक मज़ार है और कहा यह जा रहा है कि ये मज़ार जो था वो शुभ था। अतीक खुद, जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि अतीक खुद कई बार यहाँ पहुँचा, उसने यहाँ पर चादरें चढ़ाई और अपने परिवार के लोगों को भी ये उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि यहाँ पर ज़रूर आए और मज़ार पर चादरें चढ़ाएँ, जिसकी मान्यता अतीक अहमद के परिवार के बीच है। यहाँ पे चादरें चढ़ाई जाती हैं और ये भी कहा जाता है, दावा तो यह भी है कि हर बड़ी वारदात के बाद जब अतीक जेल से बाहर होता है तो यहाँ आता था, मजार पर चादर चढ़ाता था। यूं तो पुलिस को डॉन की पूरी फैमिली की तलाश है, लेकिन ये चार लोग मोस्ट वांटेड हैं। नंबर वन डॉन अतीक की बीवी शाइस्ता, जिसने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। नंबर टू डॉन की बहन आयशा नूरी। नंबर थ्री डॉन की बालिग भांजी उंजला। और नंबर फोर नूरी की दूसरी नाबालिग बेटी। क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए हम उसका नाम आपको नहीं बता सकते। इन सभी पर शूटर्स की मदद करने का शक है,
अतीक की बहन नूरी और उसकी दो बेटियों पर शक की वजह इस सीसीटीवी में छुपी है। योमेश पाल की हत्या के 10 दिन बाद का वो वीडियो है जब शूटर गुलाम मेरठ में अतीक की बहन नूरी के घर पहुंचा था। वीडियो में आप देख सकते हैं नूरी के घर में गुड्डू बमबास का किस कदर स्वागत सत्कार और खातिरदारी की गई थी। नूरी के पति और अतीक के बहनोई अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को गले लगा लिया था। गुड्डू मुस्लिम यहां उमेश पाल मर्डर के 10 दिन बाद आया, करीब 17 घंटे तक रुका। बताया जा रहा है कि यहीं गुड्डू को भागने का रूट प्लान समझाया गया, छुपने की प्लानिंग समझाई गई, कैसे किस रूट से भागना है सब समझाया गया और उसे पैसे दिए गए। असद के दिल्ली वाले तीनों मददगार खालिद, जीशान और जावेद इस वक्त यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। इस वक्त हम संगम बिहार के इलाके में मौजूद है, जहां ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर दरअसल खालिद का है। बताया ये जा रहा है कि असद जब दिल्ली में यहां पर आया था तो खालिद ने भी उसकी मदद की थी। दरअसल असद बताया ये जा रहा है कि अपने पुराने ड्राइवर जावेद के कांटेक्ट में था, वो दिल्ली यहां पर आया, उसके बाद खालिद और जीशान ने भी उसकी मदद की। ये जो मकान आप देख रहे हैं ये खालिद का मकान है। फिलहाल पुलिस जो है यूपीएसटीएफ की टीम जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ यहां पे 29 मार्च को पहुंची थी। यहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी फुटेज को पुलिस ने कब्जे में लिया है, उसकी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या असद यहां पर भी आकर ठहरा हुआ था। लेकिन जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से खालिद और जीशान ने बाकायदा हथियार लिया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में रहने के दौरान असद ने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, वो अपने साथियों के फोन से या राह चलते लोगों के फोन से कई जगह बात करता था और ये सब उस प्लान का हिस्सा था जो उमेश पाल के मर्डर से पहले ही अतीक की बीवी शाइस्ता की सरपरस्ती में बना लिया गया था। खबरों के मुताबिक डॉन की बीवी ने सभी शूटर्स को पहले से निर्देश दे रखे थे कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं होगा, यानी कि सारी प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की गई थी। प्रयागराज से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।